नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन विद्यापन। आज तारीख है 25 जनवरी 2020 और आज से जितने भी कंटेंट बन सकते हैं आप इस वीडियो में देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग दोनों से, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए चालू कर, ये कल का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चालू किया है? तो ये देखिए दोस्तों, ये राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने चालू किया है और इस योजना में अगर कोई भी अगर किसान हो उसको काम करते समय उसकी मृत्यु हो जाए या वो विकलांग हो जाए उस स्थिति में इस योजना का लाभ दिया जाता है और इसमें एक आर्थिक सहायता भी की जाती है। एकातेरिसा किलेपोलो को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीस की राष्ट्रपति चुना गया और ये ग्रीस की पहली यानी कि फर्स्ट महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। और देखिए दोस्तों, इनके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये ऐसी राष्ट्रपति हैं जो बिना किसी पार्टी की यानी कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी और वो जीत गई और इनकी एज है 63 साल। और इससे पहले ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करती थी और एक वकील के रूप में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने काम करती थी जो भी मानव के अधिकार होते हैं यानी कि ह्यूमन के अधिकार होते हैं उस विषय में ये काम करती थी। अब देख लेते हैं कुछ महिला राष्ट्रपति जो किस देश की पहली बार बनी है, लेटेस्ट वो कंट्री से रिलेटेड होगा। देखिए दोस्तों, स्लोवाकिया की राष्ट्रपति चुनी गई 15 जून 2019 को जुजाना कोपोटोवा और डेनमार्क की चुनी गई है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री 27 जून 2019 को मेटी फ्रेंड किशने और बेल्जियम की सोफिया विलियम्स ये प्रधानमंत्री चुनी गई है 27 अक्टूबर 2019 को और बोलविया की चुनी गई है जेनेलिया आर्टिस 12 नवंबर 2019 को और फिनलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई है सन्ना मारिन 10 दिसंबर 2019 को और ये जो सन्ना मारिन है प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र की है यानी कि वर्ल्ड में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री जो चुनी गई है वो है सन्ना मारिन। ठीक है दोस्तों, आपने इन्होंने इतना देख लिया। अब देखते हैं ग्रीस के बारे में। तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, उसकी प्राइम मिनिस्टर है कारिकोस मिटोटाकिस और प्रेसिडेंट है एकातेरी सकिलोपोलो और वहां पे मुद्रा चलती है यानी करेंसी चला जाती है यूरो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, गगनयान मिशन से पहले इसरो किससे अंतरिक्ष में भेजेगा? तो गगनयान जो मिशन है इस मिशन के अंतर्गत जो इसरो है 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा यानी कि वो चंद्रमा पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है और इसको वो अंजाम देगा 2021 के लास्ट में। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले किसी को भेजेगा टेस्टिंग के लिए तो ये भेजेगा ऑप्शन नंबर यानी कि व्योमित्र, और जो व्योमित्र है एक ये रोबोट है। ठीक है, रोबोट को भविष्य में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और आप देख लेते हैं इनके ऑप्शन के बारे में। ये देखिए दोस्तों, जो रश्मि है ये पहली ऐसी रोबोट है जो हिंदी में बात करती है, हिंदी में बात करने वाली पहली रोबोट का नाम है रश्मि। और जो सोफिया है ये ऐसी रोबोट है जो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में भाषण देने वाली रोबोट है। और सिमियोंग ये चाइना का रोबोट है जो किसी भी रेस्टोरेंट में काम करता है। ठीक है दोस्तों, आपने इन ऑप्शनों के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कि इसको जो भेज रहा है इसरो, इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो ने जो आप स्क्रीन पर लोगो देख रहे हो ये लोगो अडॉप्ट किया था 2002 ईस्वी में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके जो स्पेस क्राफ्ट है वो देख लेते हैं दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम थुम्बा केरल, और ये भारत का पहला स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहीं से जितने भी इसरो अपने मिशन को अंजाम देता है आजकल यहीं से दे रहा है। और पंजन टाइम के चेयरमैन है इसरो के सिवान जी। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां खोला जाएगा, यानी कि वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ओपन्ड? तो ये खोला जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोपाल में। अब देखिए दोस्तों, जो ई कचरा होता है वो क्या होता है? देखिए दोस्तों, ई कचरा में वैसे कचरा आते हैं जैसे हमारे फोन हो गया, हमारा फोन खराब हो जाता है तो उसके बाद वो कचरा बन जाता है, हमारा टेलीविजन हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गए, ऐसे चीज जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो वो खराब होने के बाद कचरा बन जाती है, उसको ही ई कचरा बोलते हैं। और इस क्लिनिक के अंदर में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां कचरा यूज करती हैं चाहे घर पे जो कचरा बन जाता है उसको इसमें निपटान किया जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए
ये खोला किसने है? ये खोला है केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, और भोपाल नगर निगम ने इसको खोला है, ठीक है। और आजकल आप देख ही रहे हो कि जो भी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई वेस्ट है, उसको हम जैसे नॉर्मल वेस्ट होता है उसके हिसाब से हम इसको खर्च कर देते हैं, इसी को देखते हुए इसको ये चालू किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन वन में जो रायपुर है, देखिए दोस्तों, इस रायपुर का नया नाम हो गया है अटल नगर, ठीक है, इसका पहले नाम रायपुर नया होता था। और इंदौर, ये 3 साल से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये 3 साल से इसकी रैंकिंग आ रही है। और मुंबई, मुंबई में आपने देखा होगा कि वहां पे एक विधेयक पास किया गया है कि 24 घंटे यानी कि 24x7 मुंबई खुली रहेगी, ठीक है। और इसमें खुले क्या रहेंगे, जो होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सब चीजें खुली रहेंगी, ठीक है, आपने इसको देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों, ये खुला है भोपाल में, तो भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, और चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, और वहां के गवर्नर हैं लालजी दास टंडन, ओके। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो 4 नंबर का प्रश्न होगा, सुकुमार सेन मेमोरियल व्याख्यान की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग इसीलिए करेगा क्योंकि जो सुकुमार सेन थे ये सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है दोस्तों। और इस व्याख्यान का उद्घाटन करेंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ठीक है दोस्तों, प्रणब मुखर्जी इसका उद्घाटन करेंगे। और जो सुकुमार सेन थे, जो हमारा देश का पहला लोकसभा और राज्यसभा चुनाव हुआ था 1951 ईस्वी में, उसको इन्होंने करवाया था। अब देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इसीलिए इस दिन को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली, और इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा, तथा इलेक्शन कमिश्नर हैं उसके अशोक लवासा, ओके। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, यानी कि व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान ऑप्शन नंबर बी यानी कि 72वां स्थान है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, ये हमको जान लेना है। इसको जारी करता है एडिको ग्रुप और गूगल, इस दोनों को संयुक्त रूप से इसको जारी करता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, सेकेंड नंबर पे है अमेरिका, और थर्ड नंबर पे है सिंगापुर, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान यानी कि 2019 में इस भारत का स्थान हुआ करता था 80 नंबर, ठीक है, इसको हमको ध्यान देना। और इस साल भारत का स्थान है 72 नंबर, ओके। किस खेल से भारत पर लगी रोक हटा ली गई, यानी कि विच स्पोर्ट हैज लिफ्टेड द बैन ऑफ इंडिया, तो इस बैन को हटा लिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीरंदाजी से। और देखिए दोस्तों, जब इसमें रोक लगी थी तो जो भारत के खिलाड़ी हैं उनको जब खेलना होता था किसी भी टूर्नामेंट में, तो उस समय उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, यानी कि मैच कुछ जीतने पड़ते थे तब वो खेल पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वो सीधे इंडिया के झंडे के नीचे यानी कि इंडिया की तरफ से डायरेक्ट खेल पाएंगे बिना किसी भी प्रतिस्पर्धा के, ठीक है। और आप जानते हो कि जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं, और मंत्री में उनको कौन सा मंत्री दिया गया है, वो मंत्री हैं आदिवासी मंत्री, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है। और इसकी घोषणा की थी 3 दिसंबर 2018 को, इसका घोषणा करने वाला था यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन ने इसकी घोषणा की थी। और इसकी घोषणा करने का मकसद ये था कि जो विश्व में शांति बन रहे तथा उसका अच्छी तरह से विकास हो शिक्षा के माध्यम से, इस करके इसको घोषणा किया गया था। और ये दूसरी बार मनाया जा रहा है, ये सबसे पहली बार 2019 में मनाया गया था, और इसकी घोषणा की गई थी 3 दिसंबर 2018 को, आपने देख लिया। और इस बार की इसकी थीम है लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉपर्टी एंड स्पीस, ठीक है दोस्तों, आपने इसको देख लिया। और एक बार और देख दिया इसकी थीम लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉपर्टी एंड पीस, ओके। आप देखते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसमें मेंबरशिप कंट्री यानी कितने देश इसमें शामिल है, ये 198 देश। और इसकी जो लैंग्वेज है यहाँ पे किस किस लैंग्वेज में काम होता है, वो लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है दोस्तों। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं ये एंटोनियो गुटेरस,
और इसमें जो स्थायी सदस्य देश है वो देश है अमेरिका, रसिया, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। किस हवाई अड्डे पर महिलाओं को निःशुल्क कैब की सुविधा दी जाएगी, यानी कि किस हवाई अड्डे पर जो महिलाएं हैं फ्री में यात्रा कर सकती हैं? तो ये हवाई अड्डा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये दिल्ली में स्थित है। और जो योजना चलाई जा रही है, इस योजना का नाम है वुमन विद व्हील्स। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत उनको ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और इसका लाभ अगर पुरुष लेना चाहें तो उनको किसी महिला या अपने परिवार के साथ होना चाहिए जिसमें महिला शामिल हो, तब इसको इसकी सुविधा दी जाएगी। और जो कैब है उस कैब का नाम है सखा कैब। ठीक है दोस्तों, इस सखा कैब का तभी फायदा ले पाएंगे। अब देखते हैं ऑप्शन के बारे में। जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में, और तुलिहाल हवाई अड्डा ये स्थित है इम्फाल में, और ये देश का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ हवाई अड्डा है। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई का हवाई अड्डा। ओके, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वहां के गवर्नर हैं अनिल बैजल। ठीक है, और दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। हाल ही में किस बैंक ने अपने एटीएम से कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है दोस्तों, और इस सुविधा को चालू कर दिया गया है 21 जनवरी 2020 से। ठीक है, और इसका लाभ उठाने के लिए आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, और उससे आप अनुरोध करोगे एटीएम को, तब आपको ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और वहां पर आप पैसे निकाल सकते हैं, 15,000 रुपये से भी ज्यादा पैसे आपको निकालने हो तो ऐसा आप इस माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और ये बैंक है, प्राइवेट बैंक है, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। इसके हेडक्वार्टर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई, और इसके चेयरमैन है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। विजया बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो विजया बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, ये किया गया किशोर कुमारी सांसी को, और ये इससे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक हुआ करते थे, और इनको अब विजया बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया। अब देखते हैं विजया बैंक के बारे में। जो विजया बैंक है ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है, और इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1931 ईस्वी को, और इसके संस्थापक थे अट्टावर बालकृष्णन शेट्टी। और ये देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले कुछ बैंकों को मर्ज किया गया, तो विजय बैंक को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ठीक है, इसकी टैगलाइन है ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, और इसका हेडक्वार्टर है एमजी रोड बेंगलुरु। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। मनमोहन सूद, जिनका हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे, यानी कि कौन सा खेल वो पहले खेलते थे? तो वो खेल खेलते थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट, यानी कि वो एक क्रिकेटर थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने खेलना चालू किया था 1957 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान, जो दिल्ली में स्थित है, वहां से उन्होंने इसको खेलना चालू किया था। और ये 1964 ईस्वी में, ठीक है, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के खिलाफ अपना अंतिम इन्होंने अपना रणजी मैच खेला था, उसके बाद इन्होंने मैच नहीं खेला। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, अब देख जाते हैं आईसीसी के बारे में। जो आईसीसी होता है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है शशांक मनोहर, और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी, और ये दोनों के दोनों भारतीय हैं। ठीक है, इसका मोटो है अच्छे के लिए क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट फॉर गुड। इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 ईस्वी को, और इसका देखिए पहले नाम हुआ करता था, ये बहुत पूछा जाता है कि 1909 से 1965 तक इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और 1965 से 1989 तक इसका नाम रहा इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और 1989 के बाद इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यानी कि यूएई में। ओके, आप देखते हैं अगला। अमेजन इंडिया को 2025 तक अपनी डिलीवरी बेड़े में कितने विद्युत वाहनों को शामिल करना है? तो इसमें इलेक्ट्रिक जो वाहन होंगे उसको शामिल करना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करेंगे। और ऐसा करने से जो आमतौर पर देख रहे हो कि बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है उसको काबू करने में बहुत ही मदद मिलेगी। ये अमेजन इंडिया की तरफ से सुझाया गया एक बहुत अच्छा उपाय है, जिसमें 2025 तक 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इसके जो संस्थापक है ये सेफ बेजोस, ये अभी कुछ दिन पहले भारत में आए थे, उन्होंने भारत में आए तब उन्होंने कहा कि हम एक
बिलियन डॉलर रुपए खर्च करेंगे यहाँ के बिजनेस रूप में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने अंडर 17 गर्ल्स बास्केटबॉल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, और इसने हराया है राजस्थान को, 57 राजस्थान के अंक आए थे और 59 तमिलनाडु के आए थे, यानी कि 2 अंकों से उसको हराया गया है। ठीक है, और केरल ने जीता है कर्नाटक को हरा के अंडर 17 जो पुरुष वर्ग का मैच होता है बास्केटबॉल का, वो जीता है केरल ने, और लड़कियों को जीता है तमिलनाडु ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसकी तीसरा संस्करण है, ये तीसरा संस्करण हुआ था गुवाहाटी में, सबसे ज्यादा पदक जीता है महाराष्ट्र ने। ठीक है दोस्तों, अब देते हैं जो आपका प्रश्न है इसका जवाब आपको इस कमेंट बॉक्स में दे देना है कि ईयू के लोकतंत्र सूचकांक में सबसे शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है, आप जितना भी क्वेश्चन के बारे में जानते हो कि उसका जवाब आप